नमस्कार दोस्तों, जो भी विज़न 11 में फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं उन सभी को मैं कुछ आज बताना चाहूँगा कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है कि अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले मैंने विज़न 11 में अपना अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने अकाउंट क्रिएट किया और KYC होती है उसमें। देख सकते हैं आप कि मेरा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया, ईमेल भी वेरीफाई है, आधार भी वेरीफाई, पैन भी वेरीफाई, पैन कार्ड वेरीफाई भी है। तो बैंक अकाउंट अंडर रिव्यू में डला है और 13 दिन से बैंक अकाउंट अंडर रिव्यू में डला ही रह गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार और क्लियर डेटा करके दोबारा से इसे वेरीफाई किया जाए, ताकि वेरीफाई हो जाए और अपना जो विनिंग अमाउंट है अपन विड्रॉल कर लें अपने बैंक अकाउंट में। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, मैंने क्लियर डेटा किया, उसके बाद फिर दोबारा से लॉगिन करना चाहा तो लॉगिन हुआ ही नहीं, और लॉगिन हुआ भी तो अनादर अकाउंट क्रिएट हो गया। क्या पता अनादर था कि क्या था, बाकी उसमें विनिंग अमाउंट थे ही नहीं, विनिंग अमाउंट 0। तो यार देखो, इसका अगर सॉल्यूशन किसी के पास होगा तो बता दो यार, क्योंकि दोबारा तो खुल ही नहीं रहा है। मैंने ट्राई कर लिया, वो कोई अदर अकाउंट खुल रहा है, और देखना कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। एक और मिस्टेक है इसमें कि पासवर्ड, ये मैंने अभी करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट ईमेल डाला है, फिर भी क्या आया, वैलिड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, जबकि ये ओरिजिनल है। ये पासवर्ड मैंने मतलब लॉगिन करके भी देख लिया हूँ मैं कि ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड मेरे सही हैं, पर इसमें क्या पता यार क्यों ऐसा दिखा रहा है, आई डोंट नो क्या ग्लिच है ये। और उसके बाद भी फॉरगेट पासवर्ड भी अगर मैं कर दूं तो, और मैं नंबर भी डाल रहा हूँ, नंबर में डाल रहा हूँ, चलो उसके बाद ओटीपी भी नहीं आ रहा है यार। ओटीपी कब से ट्राई कर लिया मैं, नहीं आ रहा है ओटीपी, रीसेंट ओटीपी भी दबा के देख लिया यार, नहीं आया। इतने बार रीसेंट दबा लिया हूँ कि लिमिट ही हो गई है। तो अब क्या ही बोलूँ यार, अब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तो कहूँगा भाई कि विज़न 11 मुझे नहीं लगता कि उतना ट्रस्टेड ऐप है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया में भी वेरीफाई नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और ट्विटर में भी जाके देख लो, उतने ज़्यादा मतलब फॉलोवर या फिर उतनी ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं है। बाकी आप चाहो तो खेल सकते हो, बाकी मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ यार तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अच्छी ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बारे में, अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है तो उससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो घर बैठे ही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब, और वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, अभी और वीडियो आएंगी और अच्छी अच्छी। तो ठीक है, फिर आप बताना कमेंट में अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो, या फिर आपको सॉल्यूशन पता हो तो आप बताना यार, क्योंकि मैं तो अब यूज़ नहीं करूँगा विज़न 11, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या ही बोले। ठीक है।